हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। नवरात्रा का सीजन चल रहा है, डैट मीन्स फेस्टिवल सीजन चल रहा है। बहुत लोगों ने फास्ट रखा होगा, तो आज की रेसिपी नवरात्रा स्पेशल आलू का हलवा है। जी हाँ, आज हम पोटैटो हलवा बना रहे हैं, मीन्स आलू का हलवा। बहुत लोग इसे पोटैटो का सीरा भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है, जिसे आमतौर पर फेस्टिवल में या व्रत में बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑफ घी डाला। घी हमें गर्म होने के लिए रख देना है। घी गर्म होने के बाद यहाँ पर मैंने 4 आलू उबाल के अच्छे से मैश करके रखा है, उसे ऐड करेंगे। ये 4 बड़े आलू हैं, जिसे मैंने पहले ही उबाल के छील के और अच्छे से मैश करके रख लिया था। इसे हम घी में डाल के अच्छे से भुनेंगे, मतलब अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू घी में डालने के बाद हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है 10 मिनट तक। 8 से 10 मिनट तक आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है। आलू जितना अच्छा फ्राई होगा, आपका हलवा उतना ही अच्छा बनेगा। इसे हमें कंटिन्यू चलाते ही हुए फ्राई करना है, ताकि वो हमारे कढ़ाई में लगे नहीं, स्टिकी ना हो, इसलिए इसे हमें ऐसे चलाते रहना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करिए चलाते चलाते। फिर जब इस लेवल पे ये आ जाए, थोड़ा अच्छा फ्राई हो जाए, फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 स्मॉल ग्लास ऑफ दूध लिया है, इसे मिलाएंगे। दूध डालने के बाद भी हमें इसे आलू के साथ अच्छे से मिक्स करना है। दूध डालने के बाद हमें इसे 5 से 8 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि जो दूध है वो आलू के साथ अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। जब दोनों आपस में ऑब्जर्व हो जाएंगे, थोड़ी इसकी थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी, तब हम इसमें फिर शुगर डालेंगे, मीन्स शक्कर डालेंगे। तो जितना हम पोटैटो लेंगे, उसका हाफ मैंने यहाँ पर शुगर डाला हुआ। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्मॉल बाउल ऑफ शुगर लिया। शुगर चीनी डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विड टाइप से हो जाएगी, इसलिए फिर हम इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करते करते ये पूरे हलवे के टेक्सचर में आ जाएगा। एक लेवल आएगा जब ये खुद ही लगेगा कि ये हलवा बन गया हमारा। आप चेक करना, पूरा नन स्टिकी है। हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ेंगे तो ये कढ़ाई में लग जाएगा, इसलिए हमें इसे हाथ से अच्छे से चलाते रहना है। अब हमारा हलवा एकदम रेडी हो गया है, तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने 7 से 8 बादाम लिए थे, जिसे मैंने काट लिया था, और 5-6 काजू हैं, इसे भी मैंने काट लिया। इन सबको डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल के हमें इसे अच्छे से पोटैटो के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि हमारा हलवा है वो पूरा फ्लेवरफुल बने और उसकी कंसिस्टेंसी और कलर भी बहुत अच्छी रहेगी। इस तरीके से आप ये आलू का हलवा अगर बनाते हैं ना, तो आपका हलवा भी बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसे किसी भी बाउल में निकाल के सर्व कर लीजिए। इसे आप ठंडा या गर्म जैसे भी चाहें सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप नवरात्रा वगैरह में फास्ट रख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपको अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के भी आप सर्व कर सकते हैं, तो ये और भी अच्छा दिखेगा। तो इसे इंजॉय कीजिए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।